नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज बाग। खो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं पहली खबर की ओर। हर पात्र व्यक्ति को दिलाएं शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। जिनके पास आवास नहीं, उन्हें पीएमसीएम योजना के तहत पक्का आवास दिलाया जाए, और जो किसी सामाजिक पेंशन योजना के दायरे में आने की अर्हता रखते हैं उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। वहीं गोचर भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान। योगी सरकार प्रदेश में पशुओं के लिए उपलब्ध गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक अवैध कब्जे वाली 6930 हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि में से 4740 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है, जबकि शेष कब्जे वाली भूमि को खाली कराने के लिए प्रक्रिया जारी है। वहीं हाथ में राइफल लेकर सीएम योगी ने अनोखे अंदाज में साधा निशाना। सीएम योगी की निशानेबाजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गोरखपुर के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने शूटिंग रेंज में निशाना लगाया। इसके अलावा उन्होंने शहर में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया, जिसमें 2 लेन 4 लेन सड़क निर्माण भी शामिल है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ कर दिया है कि अब उसकी आगे की पूरी रणनीति बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला ये नारा अब संघ परिवार के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन गया है। उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच संघ के सर कारवा दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू एकता के लिए बटेंगे तो कटेंगे नारे को जिस तरह से समाज के लिए जरूरी बताया है, उससे यह भी साफ हो गया है कि भविष्य में उसकी सारी रणनीति और निर्णय इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। भाजपा भी इसी पर आगे बढ़ेगी और यूपी में 2027 की सियासी बिसात बिछेगी और इसी को केंद्र बनाकर हिंदुओं की एकता का अभियान भी चलेगा। वही ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है, जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए। वाराणसी कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानव्यापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई थी। इस मामले पर जब जगतगुरु राम भद्राचार्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।